गारंटी रेजिडुअल वैल्यू का सिंपली मतलब ये होता है कि गारंटी रेजिडुअल वैल्यू इज द पोर्शन ऑफ रेजिडुअल वैल्यू व्हिच इज गारंटीड बाय द लेसी और अ पार्टी कनेक्टेड टू द लेसी। क्या मतलब होता है इसका, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को कहा कि यार एक काम करो, मुझे जना ये करोला की गाड़ी दिलवा दो। बैंक ने कहा भाईजन ये तो इसकी प्राइस ही 40 लाख रुपए। आपने कहा तो हमें पता है 40 लाख रुपए गाड़ी अगर सस्ती होती 10-15 लाख की होती हम खुद ले लेते। तो बैंक ने कहा अच्छा भाई सही है, ये 40 लाख की गाड़ी है, इस 40 लाख की गाड़ी के ऊपर हमें रिटर्न चाहिए 10 लाख रुपए। तो यानी कि हम तुम्हें ये गाड़ी 50 लाख की देंगे, तुम ये बताओ कि तुम जो है वो कितने अरसे के अंदर जो है वो इसकी पेमेंट करोगे। आपने कहा जी हम 5 साल के अंदर पेमेंट करेंगे। तो बैंक ने कहा सही है, आप एक काम करो 10 लाख रुपए पर ईयर आप हमें पेमेंट करो, हम जो अल्टीमेटली आपको ये गाड़ी दिलवा देते हैं। आपने कहा 10 लाख बहुत ज्यादा होता है, कम करो। बैंक ने कहा भाई अगर हम कम करेंगे तो क्या अपनी जेब से तुझे गाड़ी देंगे क्या? गाड़ी 40 लाख की, 10 लाख रुपए की इसके ऊपर रिटर्न, तो मिल मिला के जो है वो 50 लाख रुपए तो बनते ही हैं। अगर हम तुझे जो पैसे नहीं देंगे तो हम कहाँ से काम करेंगे? सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड देन वाज, मैं रिपीट करता हूँ, उसके बाद सिचुएशन को इस तरीके से हुई कि आपने बैंक को कहा था एक भाई बात सुन, आफ्टर 5 ईयर 5 साल के बाद जो ना हम तुझे कार रिटर्न कर देंगे, जब 5 साल एंड हो जाएंगे ना हम तुझे गाड़ी रिटर्न कर देंगे। बैंक ने कहा क्या मतलब? अब देखो हाँ जब 5 साल हो जाएंगे ना भाई तो हम तुझे गाड़ी रिटर्न कर देंगे, कोई मसला वाली बात नहीं। मतलब ये हुआ भाई कि हम तुझे गाड़ी रिटर्न कर देंगे, हमारे हिसाब से ये गाड़ी उस वक्त भी 20 लाख रुपए की होगी। तो एक काम कर, तू 50 लाख रुपए मांगता है ना तो 50 लाख में से 20 लाख रुपए माइनस कर, 30 लाख रुपए को डिवाइड बाय 5 ईयर कर, मैं 6 लाख रुपए तुझे पर ईयर दे दूंगा। बैंक ने कहा यार तुम तो मतलब मलाक समझ रहे हो, तुम जो कैलकुलेशन करोगे वो वैलिड होगी, तुमने अपनी मर्जी से कैलकुलेशन कर दी, अपनी मर्जी से तुमने चीजें कर दी, ऐसे नहीं होता यार। आपने कहा अच्छा भाई तुम बता दो क्या होता है। बैंक ने कहा चलो ये ऐसा एक ही सूरत में हो सकता है, तुम हमें गारंटी करो 20 लाख। मतलब क्या गारंटी करो तुम 20 लाख रुपए की, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, अगर ये गाड़ी 5 साल बाद 20 लाख रुपए की नहीं हुई तो अगर शॉर्टफॉल होगा ना, अगर ये शॉर्टफॉल होगा तुम भरोगे। मतलब क्या हुआ, अगर ये गाड़ी 17 लाख की हुई, ये गाड़ी तुम कह रहे हो ना तुम्हें वापस करोगे, इसकी मार्केट वैल्यू 14 लाख रुपए हुई, तुम हमें जो है 17 लाख हुई 3 लाख दोगे, 14 लाख हुई तुम हमें 6 लाख रुपए दोगे, भाईजान आप हमें पैसे वापस करोगे, आप हमें पैसे वापस करोगे, दैट्स व्हाट द बैंक इज टेलिंग यू। तो आपने कहा सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है, वे गिविंग योर गारंटी कि 20 लाख रुपए तो इसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी होगी नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो आपने कहा कि बैंक को कि भाई हम गारंटी दे रहे हैं तुझे 20 लाख रुपए इसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी होगी नो मैटर व्हाट हैपेंस, सो दिस पोर्शन ऑफ रेजिडुअल वैल्यू इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो एक लीज एग्रीमेंट के अंदर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक लीज एग्रीमेंट के अंदर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इट इज दैट पोर्शन ऑफ द रेजिडुअल वैल्यू व्हिच इज गारंटीड बाय द लेसी और अ पार्टी कनेक्टेड टू लेसी। तो जरूरी नहीं है कि आप गारंटी करो, कभी कभार ऐसा होता है कि आपसे कनेक्टेड पार्टीज होती हैं वो भी गारंटी कर देती हैं, तो भी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का मामला आ जाए।